राजू सिटी में बस कंडक्टर का नौकरी किया करता था। एक दिन वो अपना दोस्त हरि के साथ एक चाय के दुकान पे चाय पी रहा था और बातें कर रहा था। अरे क्यों भाई, इतना डल क्यों दिख रहा है? क्या बताऊं यार, मैं तो खुद पर ही गुस्सा हो रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया? अरे कुछ देर पहले लड़की देखने गया था यार। अरे वाह, तो क्या हुआ, लड़की पसंद आई? तो खुद ही देख ले। राजू लड़की देखने गया हुआ था और उसके सामने लड़की वाले सब बैठे थे। अच्छा जरा लड़की को बुला देते तो। हाँ लड़की तो आ ही जाएगी, वैसे अब करते क्या हो? अब मैं तो बस कंडक्टर हूँ ना। ओ ऐसे बता रहे हो जैसे तुम जिले के कलेक्टर हो। कमाई कितनी होती है महीने की? सर तनख्वाह 15,000 की है। अच्छा ठीक है, हम सोच लेते हैं फिर फोन करेंगे। अरे ये क्या सर, अब तक तो लड़की को दिखाया नहीं, अब सोच के बताओगे कह रहे हो? हमने बोला ना फोन करेंगे, अब चलिए। कहकर उन्होंने इन्हें घर से निकाल दिया। ये हुआ था, मुझे डर है कहीं मैं बिना शादी का ही रह ना जाऊं। अरे डरता क्यों है, इस साल नहीं तो अगले साल तेरी शादी हो ही जाएगी। हाँ मैं भी यही सोचकर इतने सालों से रुका हुआ था। अरे 30 साल की उम्र हो गई है और देर हो जाएगी तो शादी करना ही बेकार है लग रहा है मुझे। ऐसा कुछ नहीं होगा तो डर मत, वैसे तुझे लड़की क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ यार, जहाँ जाता हूँ पूछते हैं तू क्या करता है। वो तो हर कोई पूछता है। मैं बताता हूँ कि कंडक्टर हूँ। हाँ ये कहते हैं कि फोन करके बता देंगे, बस फिर कोई फोन भी नहीं आता। ये बात है, तू कंडक्टर है, तेरा तनख्वाह कम है, वो डर जाते हैं कि बीवी बच्चों को किस तरह पालेगा। अरे यार मेरा तनख्वाह तो 15,000 है, पर मैं कितना कमाता हूँ ये तो वो नहीं जानते ना। कितना कमाता है तू? यार किसी से बोलना मत, मैं महीने का कम से कम 50,000 रुपए कमा लेता हूँ। अरे ऐसे कैसे कमा लेता है? हरि ये बोल रहा था, इतने में राजू के पीछे बैठा हुआ सूर्या राजू के सामने आया। ऐसा कैसा सर, एक मामूली कंडक्टर है ना आप, महीने का इतना कैसे कमा लेते हो? आप सच बोल रहे हैं ना सर? तो बताइए, हमारे रिश्तेदार की बेटी है, उनसे आपका शादी करवा दूंगा। आप इसी बात पे कायम रहिए, बताऊंगा नहीं, कल मेरे साथ चलिए, सुबह से शाम तक मेरे साथ रहिएगा, मैं कितना पैसा कैसे कमाता हूँ आप समझ जाओगे। हाँ चलूंगा, कल सुबह सुबह डिपो पहुँच जाना। ठीक है। फिर वो सब चले गए। राजू जिस बस पे कंडक्टर था आके उस पे चढ़ बैठा। ओ आगे आप यहीं बैठिए और देखते रहिए मैं क्या करता हूँ। ठीक है। राजू टिकट काटने निकल पड़ा। ए टिकट 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 सर एक बलदेवपुर का दीजिए। ये लो, कहकर उसने टिकट काटी और छुट्टे का टिकट के पीछे लिख के दिया। ए टिकट 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 कंडक्टर जी एक रामगढ़ का दीजिए। ये लो, उसने फिर से टिकट काट के दिया। उस बस में एक औरत दो बच्चों के साथ जा रही थी, उसके पास जाकर कहाँ जाना है आपको? मुझे शहर जाना है। कितने लोग हो? दो हाफ और एक फुल सर। हाफ कौन है? ये रहे मेरे बच्चे। ये हाफ कहाँ के हो गए? ये लो 3 फुल टिकट, 200 रुपए दो। कहकर उसने उसे टिकट दे दिए और पैसे ले लिया। इतने में बस रुक गई। क्या हो गया? बाहर देखो लगेज है। राजू नीचे उतरा और कहाँ जाना है? शहर जा रहा हूँ बाबू, सब्जियाँ ले जाना है। ये सब कौन ले जाएगा? सर सर सुबह से खड़ा हूँ, एक भी गाड़ी नहीं ले जा रहा है, आप ले चलिए ना सर। लगेज के अलग पैसे लगेंगे, ऊपर चढ़ा लो। ठीक है सर। उसने बस पे लगेज रख दिया। राजू ने लगेज के पैसे तो लिए पर टिकट नहीं दिया। वो हर एक का टिकट काटता था पर छुट्टा टिकट के पीछे लिख के देता था। जब भी किसी का उतरने का स्टॉप आता था राजू बस की दूसरी छोर जाके खड़ा हो जाता था और कोई पैसेंजर उसे बुलाने हाथ उठाता तो उसे अनदेखा करता, अगर उसे पुकारता अनसुना करके दूसरों के पीछे छुप जाता। उतरने वाला इतनी भीड़ के बीच उस तक पहुँच नहीं पाता, वो पैसे छोड़ के उतर के निकल जाता। ऐसे ज्यादातर लोगों के साथ वो करता था। शाम को जब वापस डिपो पहुंचा, देखा सर? हाँ देखा। बातचीत चली रहा था इतने में एक और आदमी वहां आया और उसने राजू को एक पेपर दिया। ये क्या है, सोचकर उसने पेपर खोल के पढ़ना शुरू किया। पैसेंजर को छुट्टा वापस ना करना और लगेज के पैसे लेकर टिकट ना काटने के जुर्म में हम तुम्हें 1 साल के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। आप कौन हो सर? मैं टिकट चेकिंग ऑफिसर हूँ। तुम पे बहुत सारे कंप्लेंट आए थे ना, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए मैंने ऐसा किया था। गलती हो गई सर, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। सॉरी।
कहकर वो वहाँ से चले गए। राजू को अपनी गलतियाँ समझ आई, वो बड़ा दुखी मन लेकर अपना घर वापस चला गया। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।